डाइटिशियन का एक रोल है, हमें डाइटिशियन कम्युनिटी में आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन पेशेंट्स को जिनको डाइटिशियन की सपोर्ट की ज़रूरत है, जो ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए जिनको एडवाइस मिलनी चाहिए, जिनको डाइट प्लान मिलना चाहिए, डाइट प्लान के साथ डिस्कस होना चाहिए, उनको डाइटिशियन के पास भेजें, ठीक है ना। और इसीलिए सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर की जगह है कि जहाँ पे हम मरीज़ों को कम से कम ऐसे मरीज़ों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भेजते हैं। डाइट चार्ट ज़रूर दें और एक क्रिस्प डाइट एडवाइस दें। फॉर एग्जांपल मैं अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि बीबी आपने 6 चीज़ें नहीं खानी, हलवे और मिठाइयाँ, बोतलें और जूस, केक और बिस्किट, ठीक है ना। तो एक मोटी मोटी बात मैंने उनको बता दी, हर दफ़ा मैं यही बात उनको बताता हूँ, रीइंफोर्समेंट हो जाती है। लेकिन अगर कोई डिटेल डाइटरी एडवाइस दिलवानी है, कोई डाइट प्लान दिलवाना है, तो डाइटिशियन के पास भेजें। इसी तरह बट एडवाइस शुड बी गिवन रिगार्डिंग एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में ना गाइडलाइंस आप उठा के देंगे, उसमें बड़ी फैंसी किस्म की एडवाइस लिखी है कि 30 मिनट्स डेली ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 days a week विद नॉट मोर देन 48 hours इंटरवल इन बिटवीन, ठीक है ना। तो हमारे पेशेंट को ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे मरीज होते हैं, अभी वो हमारे एक डॉक्टर साहब थे, वो बात कर रहे थे कि आज उसे पेशेंट को कहा है कि आधा घंटा रोज़ाना एक्सरसाइज करना, ठीक है। अगले साहब पूछा कि एक्सरसाइज की थी, तो उसने कहा नहीं, क्यों नहीं की एक्सरसाइज। उसने कहा मेरे पास 15 मिनट थे, आपने आधा घंटा कहा था, आधा घंटा था नहीं, 15 मिनट आपने कहा नहीं, ठीक है ना, तो मैंने तो एक्सरसाइज नहीं की। तो उससे हमेशा एक्सरसाइज निगोशिएट करें, ठीक है ना। तो मैं तो अपने मरीज से ये कहता हूँ कि तुमने आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, कर लोगे? वो कहते हैं नहीं जी। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि जगह नहीं है। तो निगोशिएट करें ना, खातून है, घर की छत है, हाँ है, टाइम नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद है, वो कहते हैं हाँ है, लेकिन 5 मिनट। तो हम कहते हैं कि भाई 5 मिनट करें, 5 मिनट करना भी ना करने से बेहतर है। तो हमेशा एक्सरसाइज हमें निगोशिएट करनी पड़ेगी और उसको फैसिलिटेट करें, इस मामले में ग्रेजुअल चलें। उनको कहें कि यार 5 मिनट कर लो, ठीक है ना, कमरे में कर लो, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस कर लो, ठीक है ना, बाहर नहीं निकल सकते तो छत पे कर लो, ठीक है ना। कोई साथ जाने वाला नहीं है तो हस्बैंड आया होता है ना, साथ उसे कहें कि भाई बेगम को लेके जाया करें सुबह फजर के बाद एक्सरसाइज करने के, ठीक। तो हमेशा इस चीज़ को नेगोशिएट करें। ये नेगोशिएट करना उसकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ की जो आउटकम है उसके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क डालेगा, ठीक है ना। और ज़्यादा वक्त हमारा नहीं लगेगा इसके अंदर, 1-1.5 मिनट लगता है इस नेगोशिएशन के ऊपर, और फीडबैक अगली दफ़ा फिर हम ले लेते हैं इसके अंदर। बाज़ दफ़ा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कंट्रोल अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, या नॉन कम्प्लायंट होते, पता चल जाता है हमें, ठीक है ना। जब भी कोई पेशेंट नॉन कम्प्लायंट हो तो हमें उसके कॉजेस को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। और बहुत दफ़ा पेशेंट्स, अभी 3-4 दिन पहले मैं एक मरीज देख रहा था, खातून आई, उन्हें मैंने इंसुलिन लिख के दी, ठीक है ना, 2 महीने पहले आई तो छोड़ छाड़ के सब कुछ बुरे हाल में, 5 किलो वज़न कम हुआ, ठीक। तो मैंने कहा कि आप इस्तेमाल नहीं करी इंसुलिन? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ से ले सकती हूँ मैं इंसुलिन, ठीक है ना, 16,000 मेरी तनख्वाह है, वो आया है एक अस्पताल में, ठीक है ना। तो 16,000 मेरी तनख्वाह है, जो इंसुलिन आपने मुझे लिख के दी है, सस्ती वाली इंसुलिन लिख के दी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी खर्चा उस दवाई का मिला के, स्ट्रिपों श्रिपों का, सब कुछ का 1,500 रुपये खर्चा, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब भी कोई पेशेंट नॉन कम्प्लायंट होता है तो अंडरलाइंग कोई ना कोई कॉज है, एक कॉज कॉस्ट होती है। तो देख लें कॉस्ट में कोई आपने ज्यादा तो नहीं की हुई, ठीक है ना। हमारी वी शुड बी एट द साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना, ड्रग कंपनी की साइड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि फलानी ड्रग कंपनी ने आके फलानी मेडिसिन बताई। दूसरी बात यह है कि ये सारे आके यही बताते हैं कि जो नई मेडिकेशन आई है ना, ये हल है सब चीज़ों का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब जो नई गाइडलाइंस ADA ने दी हैं, उन गाइडलाइंस के अंदर एक कॉलम उन्होंने बनाया है कि इन रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग्स यूज़ दीज ड्रग्स, सल्फनाइल यूरिया, मेटफॉर्मिन, थायज़ोलिडिनडायोन्स, ह्यूमन इंसुलिन। उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि ये करना चाहिए उसके अंदर। तो जब भी कोई पेशेंट नॉन कम्प्लायंट है, एक वजह तो ये होती है, दूसरी बहुत बड़ी वजह जो है वो डिप्रेशन है। डिप्रेस्ड पेशेंट, डायबिटिक्स के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करें, डिप्रेशन के 3 सवाल अपने पेशेंट से ज़रूर पूछें, और इफ़ ही इज़ डिप्रेस्ड एंड यू आर कम्फर्टेबल इन मैनेजिंग डिप्रेशन, मैनेज हिज डिप्रेशन, या फिर उसको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करें उस पेशेंट को। इसलिए कि एनी पेशेंट हु इज़ डिप्रेस्ड, उसकी शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। डिप्रेशन इज़ एसोसिएटेड विद स्लीप डिस्टर्बेंसेज, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, फटीग, ना वो एक्सरसाइज करेगा, ना खाना ठीक खाएगा, ना सोएगा सही, ना दवाई लगाएगा, ठीक है ना। तो डिप्रेस्ड पेशेंट की शुगर ठीक नहीं होगी। और आखिरी बात यह है रेफरेंस, ठीक है ना। जहाँ कहीं हमें अपने पेशेंट को रेफ़र करना हो, हमें कम से कम अपनी हद तक जगह आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि मेरे पेशेंट को डाइटिशियन की ज़रूरत है, मुझे डाइटिशियन कहाँ मिलेगा, मेरे पेशेंट को पोडियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, वो कहाँ होगा, डेंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
एडेंचलिज्म यानी लॉस ऑफ ऑल टीथ इज कॉमन इन डायबिटिक्स, ठीक है, जो लोग पुअरली कंट्रोल रहते हैं, एडेंचलिज्म, लॉस ऑफ मेजर। और आपको पता है कि किसी के दांत गिर जाएं तो फिर आप उसे बताएं ना कि तुम सेब खाओ, कैसे खाएगा वो सेब, ठीक है ना, उसे कहें कि तुम जो है ना वो फला, वो उसके बाद उसकी चॉइसेस क्या होंगी, सेमी सॉलिड फूड्स, ऑल सेमी सॉलिड फूड्स आर स्वीट, याद रखें, ठीक है ना, कस्टर्ड और खीरें, ये इस तरह की चीज़ें उसके बाद उसके लिए उसकी चॉइस होंगी, वो ये चीज़ें खाएगा, ठीक है ना। तो डेंटिस्ट के पास ज़रूर भेजें, साइकेट्रिस्ट के पास भेजने की ज़रूरत हो तो ज़रूर भेजें, एंड इफ़ देर आर नेफ्रोपैथी और एडवांस्ड कार्डियक डिजीज़ यू सस्पेक्टेड, तो फिर किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के अंदर ज़रूर भेजें। रमज़ान की मैनेजमेंट है ना, एक्चुअली तो ये रमज़ान से बहुत पहले शुरू होनी चाहिए। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उन मुसलमानों के ऊपर जो कि डायबिटिक होते हैं और रमज़ान आता है, तो जो अंग्रेज़ों की गाइडलाइंस है ना, वो कहती हैं कि जो डायबिटिक है, जो इंसुलिन लगा रहा है, जो सल्फनाइल यूरिया के ऊपर है, उसे रोज़ा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता, ज़्यादातर लोग जो नॉर्मल दिनों में चाहे नमाज भी ना पढ़ते हैं वो रमज़ान का रोज़ा रखते हैं। हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका प्रेफरेंस होता है कि वो रोज़ा रखेंगे, ठीक है, लिहाजा हमारा काम एज फिजिशियन ये है कि हम फैसिलिटेट करें उनके उस प्रोसेस को। अगर तो हमारे परसिस्टेंट फॉलोअप में है पेशेंट, तो उसका अच्छा कंट्रोल कर लें पहले ही, और उसके बाद रमज़ान से बिल्कुल पहले उसको बुला के उसकी जो दवाएं हैं उनको रीएडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल कोई इंसुलिन के ऊपर है तो मेजर डोज शुड बी गिवन एट अफ्तार टाइम, और सुहूर के वक्त जो है जो डोज है उसको फर्दर रिड्यूस करके हमें देना चाहिए, यानी जो माइनर डोज थी वो सुहूर पे दें, लेकिन उसको भी सुहूर में आधा करके दें, ठीक है ना, और अफ्तार के वक्त जो है वो मेजर डोज उसको दें। इसी तरह अगर सल्फनाइल यूरियाज हैं और वो पेशेंट मॉर्निंग में लेता था, तो सल्फनाइल यूरियाज को इवनिंग में अफ्तार के साथ कन्वर्ट कर दें। मेटफॉर्मिन को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम दी जा सकती है। DPP-4 इनहिबिटर्स दोनों टाइम दी जा सकते हैं। GLP-1 एगोनिस्ट्स प्रेफरेबली अफ्तार पे दे दें, अगर कोई पेशेंट ले रहा है, कम ही होते हैं ऐसे लोग GLP-1 के ऊपर हों जो, ठीक है ना। सेम इज़ फॉर SGLT2, वो भी अफ्तार के टाइम पे दे दें, ठीक है। तो दवाओं को हम अफ्तार के टाइम पे कर देंगे, और जो मिनिमम पोर्शन ऑफ द डोज था, ठीक है ना, यानी अगर दो डोजेज वो ले रहा था तो जो स्मॉलर पोर्शन था उसको मजीद हाफ करके आप सहरी के ऊपर जो है वो पेशेंट को दे दें। कॉम्प्लिकेशंस के लिए कंसल्ट कर लेना हमेशा सस्ता साबित होता है उन कॉम्प्लिकेशन से सफ़र करने के वजह से। इंसानी जान की एक कीमत है ना, ठीक है ना, तो हम कहें कि हम इंसानी जान को सिर्फ इसलिए ज़ाया होने दें कि इस पर थोड़े से पैसे लग जाएंगे, ठीक है ना, तो ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। नेचुरली ये इसमें तो कोई यानी दूसरी राय नहीं है कि हम जो हेल्थ फैसिलिटी है वो लोगों को बग़ैर पैसों के मिलनी चाहिए, ये उनका राइट है ना कि उनको हेल्थ फैसिलिटी मिले। एक अच्छे इलाज के ऊपर जाके वापस किसी दूसरे के ऊपर आना तो एक मुनासिब बात वैसे ही नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रीट तो कर पाएंगे, दोबारा उसको ओरल पे शुरू कर दें, वो ओरल पे भी हो जाएगा, लेकिन उसी पुअर कंट्रोल के साथ जिसकी वजह से वो इंसुलिन के ऊपर गया था, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि इसमें भी नेगोशिएट करें। मेरे पास जब मरीज़ आता है ना, मैं उसे कहता हूँ कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आपको इंसुलिन लगानी चाहिए। वो कहते हैं नहीं, मैं इंसुलिन लगा सकता। पूछ लेना क्यों नहीं लगाना चाहते, ठीक है। अगर तो कोई ऐसा फियर है सिर्फ, उसे बताएं कि भाई टीके से दर्द नहीं होती, टीके से खून नहीं निकलता, देखें बेशुमार लोग लगाते हैं, 7 साल से लेकर 97 साल तक के लोग जो हैं, बच्चे भी लगाते हैं ना, ठीक है ना, वो सब लोग लगा रहे हैं। दूसरी बात ये कि उसके साथ एक और नेगोशिएट करें, ये हमेशा हमने एक डील तय करनी होती है पेशेंट के साथ, ठीक है। डिसीजन हमने नहीं लेना, डिसीजन उसका है, हमने गाइड करना है उसको उस डिसीजन के अंदर, और उसे ये महसूस होना चाहिए कि मैंने लिया है, ठीक है ना। तो मैं तो उसे पेशेंट से कहता हूँ कि ठीक है, मैं आपकी ओरल की ही एक और दवा ऐड कर देता हूँ, एक महीना और देख लेते हैं, ठीक है। अगर कंट्रोल हो गया तो अच्छी बात है, ना हुआ तो फिर हम इंसुलिन शुरू कर दें। तो कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब, हाँ ना हुआ ना तो फिर आप इंसुलिन शुरू कर दें। तो मैं उसके कागज़ पे लिख देता हूँ, काउंसल्ड फॉर इंसुलिन, ठीक है, अग्रीड टू रिव्यू हिज डिसीजन आफ्टर 1 मंथ, ठीक है ना। तो एक महीने बाद आता है, मैं कहता हूँ देखना जी कंट्रोल नहीं हुआ, दवाई भी ऐड की, सब कुछ किया, गोलियाँ भी खा रहे हैं, कंट्रोल भी अच्छा नहीं है, तो इंसुलिन लगाएं। बहुत सारे पेशेंट्स लगा लेते हैं इस केस में। Why we want to work with general practitioners or family practitioners, medicine practitioners? क्योंकि आप लोग फ्रंट लाइन हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि यू आर ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ एवरी डिजीज, एवरी एपिडेमिक, एवरी थिंग विच इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। और वाई वी वॉन्ट टू वर्क विद यू, क्योंकि ये अब जो पाकिस्तान में हेल्थ केयर का इशू है और हेल्थ डिलीवरी का इशू है, वो एक किसी अकेले बंदे का या अकेली एसोसिएशन का या अकेली हस्पताल का या अकेली गवर्नमेंट का काम नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि ट्रेक्चरी केयर रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने हैं,
हमारी फैसिलिटीज नीड्स टू बी डेवलप्ड एंड हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू व्हाट द जीपीज आर डूइंग एंड दीज फ्रंट लाइन आई वुड कॉल देम वॉरियर्स द फ्रंट लाइन वॉरियर्स आर डूइंग इन द कम्युनिटी. हमारा लिंक इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दैट रिलेशनशिप दैट लिंकेज विद यू. And at Akbar Niazi Teaching Hospital, मैं एक message देना चाहता हूँ. You will always have home here. We want to work with you. We want to listen to you. What type of challenges you're facing, and how can we work with you in your communities? क्या हम आपके साथ आपकी communities में किस तरीके से काम कर सकते हैं ताकि आपकी जो health care delivery है, जो आपकी जो patient care delivery है, हम उसको बेहतर कैसे कर सकें? अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल aspires to be a tertiary care hospital. यहाँ पर जब हॉस्पिटल शुरू की गई बहुत लोगों ने डिस्करेज किया, लेकिन वन ऑफ द रीजन अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल वॉज एस्टेब्लिश देयर कि अमेजिंगली इनफ बींग पार्ट ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एरिया इट हैज़ द लोएस्ट बेड टू पॉपुलेशन रेशियो एनी वेयर इन पाकिस्तान. अगर अब हम पाकिस्तान को देखें तो इस चैलेंजेस आर मैनी और आप लोगों को पता, हम हेप्स सील को ले लें, हम मलेरिया को ले लें, ऑल दीज कम्युनिकेबल डिजीजेस और भी हम उनको ले लें. दीज चैलेंजेस आर देयर एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर. एंड आई हैव टू गिव द मैसेज, इफ आई हैव टू लीव यू वन विद मैसेज, दैट एट अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल यू विल ऑलवेज हैव अ फ्रेंड. फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई एम स्टार्टिंग this hospital, and this hospital start the new project is benefit to every people. So we are Taiji Group with the state of Chinese government, and we are company more interesting and follow the feedback. We are company will invest our traditional medicine technology and invest factory in Pakistan. We also cooperation the hospital benefit to everyone. So that's why I come here, and from this meeting I'm so excited. It was a great event, and basically jaise aap dekh bhi rahe ho, management of diabetes in community tha, which is an emerging problem in entire world. Us hisab se this was something jisse doctors ko bhi refresher ho gaya, jo general public hai unko bhi ek idea ho gaya. Upcoming Ramzan ke bhi hame ek backup mil gayi ki acha is tarah se aapne drug dosing ko adjust karna hai. और एक ये भी पता चल गया कि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल अवेलेबल है जहाँ पे हम पेशेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं. तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेयरनेस देते हैं और डॉक्टर्स को रिफ़्रेश कर देते हैं, हमें मज़ीद जिसे कहते हैं सीखने का मौका देते हैं.